हेलो चिल्ड्रंस, माई सेल्फ अभय प्रताप एंड यू आर वॉचिंग एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 1 1 1 1 1 से ताजमहल बनाना सिखाएंगे। देखिए, आपको पहले करना क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐसे 1 लिखना होगा। यहाँ पे एक 1 आप लिख दीजिए, ये हो गया। इसके बाद आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर भी एक ऐसे 1 लिखना होगा, यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। ये यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए, आपको जो है यहाँ से थोड़ा सा छोटा 1 लिखना होगा। यहाँ पर आप एक 1 ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक ऐसे 1 करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा कैसे ताजमहल बनाया जाएगा। एक 1 आपको यहाँ पे लिखना होगा प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर भी ऐसे 1 लिखना होगा, एक 1 यहाँ लिखिए, एक 1 हम यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा। ये करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए, इस 1 से यहाँ पर आपको मिलाना है। ऐसे हम मिलाएंगे कि यहाँ पे मिला देंगे, इसको मिला दीजिए, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से हम ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाने के बाद प्यारे बच्चों, जो नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा हमें बराबर करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऐसे करिए, ये हो गया, ये और ये। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिए। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल की हेल्प से कर दीजिए, नहीं तो हाथ से ही ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो जाने के बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको हम ऐसे, अब प्यारे बच्चों ये लाइन खींचने के बाद हम इसको थोड़ा सा कर देंगे डबल। यहाँ पे आप डबल कर दीजिएगा, ये देखिए ऐसे डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया। अब देखिए, आपको यहाँ पे ऐसे यू लिख देना है, आप यहाँ पे ऐसे यू लिख देंगे, ये देखिए हमारा यू हो गया प्यारे बच्चों। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको वीडियो को ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन आप ऐसे ले जाइए यहाँ तक, ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ से इसको हम नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाइए, ये हो गया। अब ये सेम जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, आपको यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ करना है। ये देखिए, ऐसे आराम से ले जाइएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ तक कर दीजिए, ये हो गया। फिर यहाँ से हम इसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा पतला होता जाएगा यहाँ पे, ये हो गया। अब देखिए, एक लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करिए, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से भी हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों। अब आपको यहाँ पे भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना होगा प्यारे बच्चों। देखिए, यहाँ से आप ले जाएंगे, ऐसे ले जाना है आपको, यहाँ तक ले जाइए, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से इसको हम ऐसे कर देंगे, ये हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आइएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी ये इसको ऐसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद सेम प्रोसेस, इसको भी ऐसे करना है, ऐसे मिला देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे मिलाइए, यहाँ पे मिला दिया। मिलाने के बाद आपको यहाँ पे एक गुंबद बनाना होगा प्यारे बच्चों। गुंबद बहुत ही आसान है बनाना है, ऐसे आप सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करिए, इसके बाद यहाँ पे ओवल ड्रॉ कर दीजिए, फिर यहाँ पे एक ऐसे ये निकाल दीजिए, ये हो गया। इसके सेम प्रोसेस जैसे हमने यहाँ किया है, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पे ऐसे करिए, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे गुंबद बना दीजिए प्यारे बच्चों, इसको डबल कर दीजिए। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसे लाइनिंग ऐसे करनी है, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी ऐसे आपको ऐसे कर देना है, 1 2 3 हो गया, इसकी हो गया। यहाँ पे ऐसे 1 2 यहाँ पे 3 प्यारे बच्चों, ये हो गया। यहाँ पर भी आप ऐसे सेम प्रोसेस करते रहिए, 1 2 3 1 2 3 बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, ये हो गया। यहाँ पे ऐसे करिए, यहाँ पे भी एक गुंबद ऐसे बना दीजिए, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर भी हम ऐसे गुंबद बना देंगे, ये इसको हम डबल कर देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको ऐसे गुंबद बनाना है, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऐसे करिए, फिर इसके बाद इसको भी ऐसे सेम प्रोसेस करते रहिए प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब देखिए, अब हम नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसे एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, इसके बाद यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा। फिर इसको ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा मैं डार्क पेंसिल, देखिए मैंने कई पेंसिल लिया है प्यारे बच्चों। अब करेंगे क्या, यहाँ पे ऐसे ये खींचते जाइए, यहाँ पे ऐसे खींचिए, ये हो गया, ये यहाँ पे ऐसे खींचिए। आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए हमें, आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे करते जाइए, ऐसे लाइनिंग करते जाइए। ये चीज़, ये जो आपने देखा होगा ताजमहल में, ये पत्थर जो बना रहता है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, अगर स्केल है तो स्केल की हेल्प से, नहीं तो आप ऐसे ही कर दीजिए।
ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा डार्क हम पेंसिल ले लेते हैं, यहाँ से आपको गुंबद एक और बनाना है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करिए पहले, यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ कर देंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे डबल कर देंगे। प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ से आपको गुंबद ले जाइए, यहाँ से ऐसे करिए, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे ले जाइए, यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए। ये मिलाने के बाद आप यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बना दीजिए छोटे छोटे, ये देखिए वाओ, इसमें तो बहुत डिज़ाइन बना रहता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी ऐसे बना दीजिए, ये देखिए यहाँ पे ऐसे बनाइए, यहाँ पर भी ऐसे बना दीजिए, ऐसे छोटे 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 बनाते जाइए। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पे करिए, फिर यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचिए, एक सीधी लाइन यहाँ पे आप खींचना है, आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे विंडोज़ बना दीजिए। प्यारे बच्चों आपने ताजमहल में देखा होगा प्यारे बच्चों, ऐसे सीधी लाइन खींचिए, एक यू लिख दीजिए, ये सीधी लाइन यू, सीधी लाइन यू, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिए, ये हो गया हमारा ताजमहल रेडी। अब हम इसको करेंगे शेड प्यारे बच्चों। ये शेड करने के लिए हम यहाँ पे डार्क वाला यूज़ करते हैं पेंसिल। देखिए यहाँ पे बीच बीच का ऐसे शेड दे दीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। अभी देखिएगा आप, ये ऐसे शेड दीजिए, यहाँ पे इसको भी ऐसे शेड कर दीजिए। और कोई जल्दबाजी मत करिएगा शेड देने में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा कैसे हम इसको शेड देंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों इसको करते रहिए ऐसे, यहाँ पर भी हम ऐसे करते जाएंगे, करते जाइए आप ऐसे ऐसे, इसको भी सेम प्रोसेस ऐसे आपको करना है। थोड़ा सा मैं लाइट ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जा रहा है यहाँ पे, इसको लाइट कर देंगे थोड़ा सा हम प्यारे बच्चों। जहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिए प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा, इसको